अमृत वेले का ये वरदानी समय, ये प्रभु मिलन की बेला, आज हम योग करेंगे कि माया के तूफानों से स्वयं को कैसे बचाना है। अध्यात्म के मार्ग में जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो माया भी और बलशाली होकर हमारा रास्ता रोकने को तैयार रहती है। तो आज की योग कमेंट्री में हम देखेंगे ऐसे 11 उपाय जिससे हम स्वयं को माया के तूफानों से दूर रख सकते हैं। माया कभी हमारे पास भी नहीं भटकेगी। तो आइए देखते हैं कि हम क्या करें कि निरंतर के योगी बन जाएं। संपूर्ण ध्यान आंखों के मध्य भ्रुकुटी पर, जहां मैं आत्मा एक चमकती हुई मणि, एक चमकता हुआ सितारा, एक ईश्वरीय शक्ति निवास करती हूं। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं मालिक हूं न कि गुलाम। बाबा अक्सर जोड़ी में दो शब्द कहते हैं, मालिक और गुलाम। दुखधाम और सुखधाम, प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, तो अक्सर मुरलियों में ऐसे कंट्रास्ट बाबा हमें बताते हैं। तो पहला उपाय है मन मनाभाव का मंत्र। मैं आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर निजात्मा के पिता परमपिता परमात्मा की याद में रहूं। विजुलाइज करें जैसे देह होते हुए भी है नहीं, देह मात्र कर्म करने का साधन है।
हमको स्वयं को आत्मा समझ, केवल और केवल निजात्मा के पिता परमपिता परमात्मा को याद करना है, आत्माभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति में ये याद की यात्रा ही मन मना भव का मंत्र है। मैं आत्मा इस शरीर में स्थित एक कर्म योगी हूं और मुझे हर कर्म करते केवल और केवल परमात्मा स्मृति में रहना है। दूसरा, मुझ आत्मा को स्वयं का दर्शन अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कम से कम दिन में 5 बार जब भी समय मिले, अमृतकाल में उठते ही, रात को सोते समय और दिन में जब भी एकांत में हो, मुझ आत्मा को अपने 5 स्वरूपों का स्मरण करना है, जिसमें पहला स्वरूप अनादि चमकता हुआ सितारा, बिंदु रूप, दूसरा आदि देवी देवता स्वरूप, तीसरा द्वापर से मध्य का पूज्य स्वरूप, चौथा कलयुग के अंत का ब्राह्मण स्वरूप, जब मैं आत्मा ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा द्वारा अडॉप्ट की गई और सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यानी ब्राह्मण आत्मा बन गई, और 5वां अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, जब मैं आत्मा देह में रहते देह के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा के संग परम धाम को जाती हूं, इसी के अभ्यास में हमें व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। तीसरा, परमात्मा स्नेह या परमात्मा प्रेम की छत्र छाया
संगम युग पर, जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हैं, तो मुझात्मा को, स्वयं को हर समय परमात्म छत्र छाया में महसूस करना है, अनुभव करना है। ऐसी अनुभूति हो कि स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथी हैं, मेरा हर कार्य जैसे बना बनाया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, स्वयं परमात्मा मेरा साथी है। चौथा, पवित्रता की अग्नि मेरे अंदर, निरंतर पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित रहे। पवित्रता ही मुझ ब्राह्मण का फाउंडेशन है और पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, समान भी है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, निद्रा जीत, काम जीत, माया जीत, प्रकृति जीत व जगत जीत हूं। अतः पवित्रता को मुझात्मा का स्वधर्म मान, हमेशा पवित्र रहना है। जब पवित्र रहेंगे तो योगी रहेंगे और तभी सुखधाम में जाकर अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा मेरे शिव बाबा वरदान भी देते हैं, पवित्र भव, योगी भव, अमर भव। पांचों, ब्राह्मण परिवार का किला संगम युग पर, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं। कर्मों से शूद्र होते हुए भी परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपना बनाया और ब्राह्मण स्वरूप में स्थित किया। ये स्मृति हमेशा मेरे भान में रहे, मन में रहे और मुझे इस ब्राह्मण परिवार के किले के अंदर रहना है। धारणाओं से, सेवाओं से, ज्ञान से व योग से, अपने चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा व सेवा में मुझे संपूर्ण ब्राह्मण बनना ही है और यही ब्राह्मण परिवार मेरा सुरक्षा का किला है, जिसमें माया कभी प्रवेश नहीं कर सकती। छठा, लगन की वास्तु अर्थात मेरे अंदर परमात्मा मिलन की लगन निरंतर लगी रहे,
और यही लगन मुझे याद की यात्रा में स्थित रखती है। मुझे हर समय एक ही धुन है कि मैं परमात्मा मिलन मनाने वाली सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्मा हूं, जिस तरह धूप को प्रज्वलित करते हैं तो वो धीरे धीरे जलती रहती है और चारों ओर अपनी खुशबू फैलाती है, उसी प्रकार मैं आत्मा भी के अंदर भी लगन की वास धूप निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसकी खुशबू मेरे पूरे शरीर में निरंतर रहती है। सातवां अटेंशन व चेकिंग की पहरेदार मुझे हमेशा सजग रहना है, अटेंटिव रहना है और निरंतर स्वयं की चेकिंग भी स्वयं ही करनी है। रात को जब दिनचर्या समाप्त हो जाती है और हम विश्राम हेतु बिस्तर में जाते हैं तो दिन भर की चेकिंग स्वयं करनी है कि मैंने आज दिन में क्या कमाई की, गंवाया नहीं ये अलग बात है, लेकिन निरंतर मेरी कमाई बढ़ती रहे। कितना समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद किया, कितनों को ईश्वरीय ज्ञान दिया, कितनों को सुख दिया, ये अटेंशन और चेकिंग साथ साथ चलती रहे। आठवां याद और सेवा का डबल लॉक, अर्थात ईश्वरीय याद व ईश्वरीय सेवा, अर्थ मेरा जीवन समर्पित है, ये अगर हमारे साथ हमेशा डबल लॉक रहेगा तो मैं आत्मा इस याद और सेवा के चक्र के अंदर रहूंगी, जिसमें माया कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। नवा तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाती है। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना दिया और ये नेत्र ज्वालामुखी नेत्र हमें दूर से ही माया को पहचानने में सक्षम है, जिससे माया शक्तिहीन बन जाती है। दसवां स्वमान की सीट में मैं हमेशा स्थित रहना है। बाबा हमें नित नए नए स्वमानों से सजाते हैं, जिसमें प्रथम व
मुख्य समान है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा हर परिस्थिति व व्यक्ति से ऊपर हूँ। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता। इस समान में स्थित रहना है। इसके अलावा निरंतर बाबा रोज हमें वरदानों में समान देते रहते हैं। ज्ञान मुरलियों से समानों को लेकर अपने समान में स्थित रहना है। जैसे मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, संगम युगी आत्मा हूँ, मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ है आदि आदि। ग्यारहवां और अंतिम उपाय है माया को दूर रखने का, उत्साह उमंग के पंख। हमेशा मेरे अंदर उत्साह और उमंग से भरपूर मैं आत्मा हमेशा मन बुद्धि से फरिश्ता बन उड़ती रहूं। जब भी जरूरत हो धरती पर आई, पार्ट बजाया और फिर देह को भूल फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना। हर कार्य में उमंग उत्साह से लवरेज रहना, भरपूर रहना, यही मेरा जीवन है। क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ, जो कोटों में कोई और कोई में कोई है। अतः मुझे आत्मा को अपने इन स्वरूपों में इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए स्वयं को माया से बचाना है। क्योंकि अंतिम समय है और चारों ओर तमो प्रधानता का राज्य है। ऐसे में माया हर ब्राह्मण बच्चे के साथ पूरी ताकत से अपनी जोर अजमाइश करती है। परंतु यदि हम इन 11 स्थितियों में स्वयं को स्थित रखेंगे तो माया कभी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। पुनः दोहराते हैं उन बिंदुओं को। पहला, मन मना भाव का मंत्र। दूसरा, स्वदर्शन चक्र। तीसरा, परमात्मा छत्र छाया। चौथा, पवित्रता की अग्नि। पांचवा, ब्राह्मण परिवार का किला। छठा, लगन की वास धूप, परमात्मा मिलन के लगन की। सातवां, अटेंशन व चेकिंग के पहरेदार। आठवां, याद और सेवा का डबल लॉक। नवां, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे। दसवां, समान की सीट। और अंतिम ग्यारहवां, उत्साह उमंग के पंख। तो अगर हम
स्वयं 11 बिंदुओं पर अटेंशन रखते हैं तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं आत्मा, अक्सर इस अभ्यास को योग में करते रहूंगी तो सदैव ये मेरी स्मृति में रहेंगे और मुझे योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं आत्मा निरंतर की योगी बन जाऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।